टाइप 11 प्रश्न 1। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को SULTRE लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड IGHTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 BIRTHG, 2 BRIHGT, 3 BRHITG, 4 BRIGHT, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न क्लर्क ग्रेड एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 BRIGHT ब्राइट। रिजल्ट RESULT SULTRE। यहाँ हम देख रहे हैं शब्द रिजल्ट को कोट करते समय अंतिम चार अक्षरों को प्रथम चार अक्षर और प्रथम दो अक्षरों को अंतिम दो अक्षर के स्थान पर परिवर्तित करते हुए रिजल्ट शब्द को SULTRE के रूप में कोट किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड IGHTBR को डीकोड करना है, यानी सांकेतिक कोड को शब्द में परिवर्तित करना है, इसलिए अब हम सारी प्रक्रिया कोडिंग के विपरीत करेंगे। IGHTBR यानी BRIGHT, अतः IGHTBR के लिए ब्राइट लिखा जाएगा। प्रश्न 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को VCDNG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड EJCKT के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 CHEAR, 2 CHAIR, 3 CHIAR, 4 CHAER, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 CHAIR चेयर। टेबल T20 प्लस 2 22V, A1 प्लस 2 3C, B2 प्लस 2 4D, L12 प्लस 2 14N, E5 प्लस 2 7G। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम देख रहे हैं शब्द टेबल के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 के क्रम से बढ़ाकर VCDNG के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें डी कोड करना है, यानी सांकेतिक कोड EJCKT को शब्द में परिवर्तित करना है, इसलिए अब हम गणितीय चिन्ह का प्रयोग कोडिंग में प्रयोग किए गए चिन्ह के विपरीत करेंगे। इसी प्रकार E5-2 3C, J10-2 8H, C3-2 1A, K11-2 9I, T20-2 18R। सेकेंड स्टेप, EJCKT को चेयर लिखा जाएगा। नोट, साधारणतया विद्यार्थी डीकोडिंग के प्रश्न को हल करते समय सारी प्रक्रिया कोडिंग की प्रक्रिया के विपरीत करते हैं, जिससे ये एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप डीकोडिंग के प्रश्न को भी कोडिंग के तरीके से ही हल करें, जैसे कि प्रश्न संख्या 2 को हल करते समय दिखाया गया है। ये एक बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल आपको इतना ही करना है कि सांकेतिक कोड से शब्द में परिवर्तन के क्रम में, यानी सेकंड स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह को केवल विपरीत कर दें। दिए गए उदाहरण से हम इस बात की पुष्टि एक बार फिर से कर लें। जैसे डॉग D4-1 3C, O15-1 14N, G7-1 6F। फर्स्ट स्टेप। इसी प्रकार BZS, B2+1 3C, Z26+1 A1, S19+1 20T। सेकेंड स्टेप है, अतः BZS इसका मतलब कैट होगा। प्रश्न 3। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लास को HMBTT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड QBQFS के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 PEPAR, 2 PAPRE, 3 PAPER, 4 TAPER, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 PAPER। ग्लास G7+1 8H, L12+1 13M, A1+1 2B, S19+1 20T, S19+1 20T।
यहाँ हम देख रहे हैं कि शब्द ग्लास के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +1 +1 +1 के क्रम से बढ़ाकर शब्द ग्लास को HMBTT के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड QBQFS को डीकोड करना है, यानी सांकेतिक कोड को एक अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह प्लस को अब विपरीत यानी माइनस करते हुए सेकंड प्रक्रिया में डीकोडिंग इस प्रकार करेंगे। QBQFS Q17-1 16P B2-1 1A Q17-1 16P F6-1 5E S19-1 18R। अतः QBQFS इसके लिए पेपर लिखा जाएगा। प्रश्न 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NCWGM और बॉक्स को CQA लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड OQWIGUVS के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 नोट बूट, 2 नोटबुक, 3 नोट BOKE, 4 MOTE BOOK, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 नोटबुक। मैच M13+1 14N A1+2 3C T20+3 23W C3+4 7G H8+5 13M एवं बॉक्स B2+1 3C O15+2 17Q X24+3 A1। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम देख रहे हैं कि मैच एवं बॉक्स शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +1 +2 +3 से बढ़ाते हुए शब्द मैच को NCWGM और शब्द बॉक्स को CQA के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड OQWIGUVS को डीकोड करना है, यानी सांकेतिक कोड से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अतः हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह को अब विपरीत यानी प्लस की जगह माइनस में परिवर्तित कर आगे की प्रक्रिया को कोडिंग की तरह ही दोहराएंगे। इसी प्रकार O15-1 14N Q17-2 15O W23-3 20T I9-4 5E G7-5 2B U21-6 15O V22-7 15O S19-8 11K। अतः OQWIGUVS को नोटबुक लिखा जाएगा। प्रश्न 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड FUMSQ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 ड्रिंक, 2 प्रिक, 3 ब्रिंग, 4 ड्रीम, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 ड्रिंक। प्रिंट P16+2 18R R18+3 21U I9+4 13M N14+5 19S T20+6 26Z। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम देख रहे हैं कि शब्द प्रिंट के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +2 +3 +4 के क्रम से बढ़ाकर RUMSZ के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड FUMSQ को डीकोड करना है, अतः हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह का विपरीत चिन्ह यानी माइनस को सेकंड स्टेप में प्रयोग करते हुए पुनः प्रक्रिया कोडिंग के ही तरह करेंगे। इसी प्रकार F6-2 4D U21-3 18R M13-4 9I S19-5 14N Q17-6 11K।
अतः सेकंड स्टेप में FUMSQ को ड्रिंक लिखा जाएगा। प्रश्न 6, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को UDGLR लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड SKRWR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 POHTO, 2 PHTOO, 3 PIOTO, 4 PHOTO, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 PHOTO, फोटो। रेडियो R18+3 21U, A1+3 4D, D4+3 7G, I9+3 12L, O15+3 18R। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम देख रहे हैं कि रेडियो शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +3+3+3 के क्रम से बढ़ाकर UDGLR के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड SKRWR को डीकोड करना है, यानी इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अतः हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए चिन्ह का विपरीत चिन्ह माइनस का प्रयोग करते हुए पुनः कोडिंग की ही प्रक्रिया करेंगे। S19-3 16P, K11-3 H8, R18-3 15O, W23-3 20T, R18-3 15O, अतः SKRWR को फोटो लिखा जाएगा। प्रश्न 7, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेशन को URCRKMP लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड DPKLI के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 BRENG, 2 BRING, 3 RINGE, 4 BRONG, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 ब्रिंग, BRING। S19+2 21U, T20-2 18R, A1+2 3C, T20-2 18R, I9+2 11, K O15-2 13M, N14+2 16P। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि शब्द स्टेशन के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +2 -2 +2 -2 के क्रम से बढ़ाते और घटाते हुए URCRKMP के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड DPKLI को कोडिंग की ही प्रक्रिया को दोहराते हुए डीकोड करना है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए चिन्ह को परिवर्तित कर माइनस प्लस के चिन्ह को निरूपित करते हुए आगे की प्रक्रिया करेंगे। इसी प्रकार D4-2 2B, P16+2 18R, K11-2 9I, L12+2 14N, I9-2 7G, अतः सेकंड स्टेप हुआ DPKLI को ब्रिंग लिखा जाएगा। प्रश्न 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को RQEGRJCT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड NCPQJG के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 PAROTE, 2 PALORE, 3 PAROLE, 4 PARONE, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 PAROLE। फर्स्ट स्टेप में टुगेदर T20-2 18R, O15+2 17Q, G7-2 5E, E5+2 7G, T20-2 18R, H8+2 10J, E5-2 3C, R18+2 20T। यहाँ हम देख रहे हैं कि शब्द टुगेदर के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः -2+2 -2+2 के क्रम से घटाते और बढ़ाते हुए शब्द टुगेदर को RQEGRJCT के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड NCPQJG को डीकोड करना है, अतः हम कोडिंग की ही प्रक्रिया से डीकोडिंग करने के क्रम में फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए चिन्हों को विपरीत करते हुए आगे की प्रक्रिया करेंगे।
सेकेंड स्टेप होगा एन 14 प्लस 2 16 पी सी 3 माइनस 2 1 ए पी 16 प्लस 2 18 आर क्यू 17 माइनस 2 15 ओ जे 10 प्लस 2 12 एल जी 7 माइनस 2 5 ई। अतः एन सी पी क्यू जे जी को पी ए आर ओ एल ई पेरोल लिखा जाएगा। प्रश्न 9, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केशव को एन बी वी ई डी एस लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड एस ओ डी जे आर ए के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। पृष्ठ 64, विकल्प है एक पी ए आर एम ओ डी, दो पी आर ओ एम ओ डी, तीन पी ए आर डी ओ एन, चार पी आर ए एम ओ डी। सही उत्तर है विकल्प चार पी आर ए एम ओ डी। फर्स्ट स्टेप में केशव के 11 प्लस 3 14 एन ई 5 माइनस 3 2 बी एस 19 प्लस 3 22 वी एच 8 माइनस 3 5 ई ए 1 प्लस 3 4 डी वी 22 माइनस 3 19 एस। यहां हम देख रहे हैं कि शब्द केशव के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 के क्रम से बढ़ाते और घटाते हुए एन बी वी ई डी एस के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड एस ओ डी जे आर ए को डी कोड करना है, अतः हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए चिन्हों का विपरीत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड स्टेप में होगा एस 19 माइनस 3 16 पी ओ 15 प्लस 3 18 आर डी 4 माइनस 3 1 ए जे 10 प्लस 3 13 एम आर 18 माइनस 3 15 ओ ए 1 प्लस 3 4 डी। अतः एस ओ डी जे आर ए के लिए प्रमोद पी आर ए एम ओ डी लिखा जाएगा। प्रश्न 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्यू डी एफ एच एस लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड एक्स डी जे एम एन एल को कौन सा शब्द लिखा जाएगा। विकल्प है एक एम ओ एन के ए वाई, दो एम ओ एन के ई ई, तीन एम ओ एन के ई वाई, चार एम ओ एन टी ई वाई, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन एम ओ एन के ई वाई। फर्स्ट स्टेप में आर 18 माइनस 1 17 क्यू ई 5 माइनस 1 4 डी जी 7 माइनस 1 6 एफ आई 9 माइनस 1 8 एच टी 20 माइनस 1 19 एस। यहां हम देख रहे हैं टाइगर शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 के क्रम से घटाते हुए शब्द टाइगर को क्यू डी एफ एच एस के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड एक्स डी जे एम एन एल को डी कोड करना है, अतः हम सेकेंड स्टेप की प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप की प्रक्रिया में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह के विपरीत चिन्ह यानी अब प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हुए डी कोडिंग की प्रक्रिया को कोडिंग की ही तरह करेंगे। इसी प्रकार एल 12 प्लस 1 13 एम एन 14 प्लस 1 15 ओ एम 13 प्लस 1 14 एन जे 10 प्लस 1 11 के डी 4 प्लस 1 5 ई एक्स 24 प्लस 1 25 वाई। अतः एक्स डी जे एम एन एल को मंकी लिखा जाएगा। प्रश्न 11, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबिलाइज को यू वी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड ई टी के ई एम जी वी के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। विकल्प है एक सी आई आर सी के ई टी, दो सी आर आई के सी ई टी, तीन सी आर आई सी के ई टी, चार सी आई आर के सी ई टी, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी। स्टेबिलाइज एस 19 प्लस 2 21 यू टी 20 प्लस 2 22 वी ए 1 प्लस 2 3 सी बी 2 प्लस 2 4 डी आई 9 प्लस 2 11 के एल 12 प्लस 2 14 एन आई 9 प्लस 2 11 के
S19 plus 221U, E5 plus 27G. यहाँ हम देख रहे हैं कि मूल शब्द को कोट करते समय क्रमशः प्लस टू प्लस टू प्लस टू के क्रम से बढ़ाकर कोट किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड ETKEMGV को डीकोड करना है, अतः हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह का विपरीत चिन्ह को अब प्रयोग करेंगे। सेकंड स्टेप में होगा ETKEMGV E5 माइनस 23C, T20 माइनस 218R, K11 माइनस 29I, E5 माइनस 23C, M13 माइनस 211K, G7 माइनस 25E, V22 माइनस 220T। अतः ETKEMGV को क्रिकेट लिखा जाएगा। प्रश्न 12। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को ILZHG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड GIZXV के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक SRACE, दो TRAVE, तीन TRACE, चार TRECA, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन ट्रेस TRACE। फर्स्ट स्टेप में रोस्ट R18, इसका विपरीत अक्षर है I9, O15 विपरीत अक्षर L12, A1 विपरीत अक्षर है 26Z, S19 विपरीत अक्षर है 8H, T20 विपरीत अक्षर है 7G। यहाँ हम देख रहे हैं शब्द रोस्ट के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर का प्रयोग करते हुए शब्द रोस्ट को ILZHG के रूप में कोट किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड GIZXV को डीकोड करना है, अतः हम इस कोड में प्रयोग किए गए अक्षर का विपरीत अक्षर लिखते हुए कोडिंग की ही भांति डीकोडिंग भी करेंगे। इसी प्रकार G7 विपरीत अक्षर है T20, I9 विपरीत अक्षर है R18, Z26 विपरीत अक्षर है A1, X24 विपरीत अक्षर है 3C, V22 विपरीत अक्षर है 5E। अतः GIZXV को ट्रेस TRACE लिखा जाएगा। नोट, आपको हम फिर से याद दिला दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांक का योग 27 हो जाए, ऐसे दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। जैसे G7 प्लस T20 इक्वल्स टू 27, यानी G और T एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। प्रश्न 13। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड CTFHV के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक ADITT, दो AGULT, तीन AUDTI, चार AUDIT, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प चार ऑडिट AUDIT। फर्स्ट स्टेप में C3 प्लस 25E, H8 माइनस 17G, A1 प्लस 23C, I9 माइनस 18H, R18 प्लस 220T। यहाँ हम देख रहे हैं शब्द चेयर के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 के क्रम से बढ़ाते और घटाते हुए शब्द चेयर को EGCHT के रूप में कोट किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड CTFHV को डीकोड करना है, यानी इसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अतः अब फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह का विपरीत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार C3 माइनस 21A, T20 प्लस 121U, F6 माइनस 24D, H8 प्लस 19I, V22 माइनस 220T। अतः CTFHV के लिए ऑडिट AUDIT लिखा जाएगा। प्रश्न 14। यदि किसी सांकेतिक भाषा में म्यूजिक को SZWLE लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड IFRRG के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक CANON, दो CANOE, तीन CANNO, चार CANEO,
पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो, CANOE। फर्स्ट स्टेप में M 13 + 6 = 19, S U 21 + 5 = 26, S 19 + 4 = 23 W, I 9 + 3 = 12 L, C 3 + 2 = 5 E। यहाँ हम देख रहे हैं म्यूजिक शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +6 + 5 + 4 के क्रम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते हुए शब्द म्यूजिक को SZWLE के रूप में कोड किया गया है। अब हमें सांकेतिक कोड IFRRG को डीकोड करना है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए चिन्ह का विपरीत चिन्ह माइनस का प्रयोग करते हुए कोडिंग की ही तरह आगे की प्रक्रिया को करेंगे। इसी प्रकार I9 - 6 = 3 C, F6 - 5 = 1 A, R18 - 4 = 14 N, R18 - 3 = 15 O, G7 - 2 = 5 E। अतः IFRRG को CANOE लिखा जाएगा। प्रश्न 15। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को EDRIRL लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड HUMJTK के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक FREIND, दो FRIEND, तीन FRINDE, चार FRANDE, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो FRIEND, फ्रेंड। कैंडल C 3 + 2 = 5 E, A 1 + 3 = 4 D, N 14 + 4 = 18 R, D 4 + 5 = 9 I, D 12 + 6 = 18 R, E 5 + 7 = 12 L। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैंडल शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +2 + 3 + 4 इसी प्रकार से बढ़ाते हुए शब्द कैंडल को EDRIRL के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड HUMJTK को डीकोड करना है, अतः हम सारी प्रक्रिया कोडिंग की तरह ही करेंगे, लेकिन गणितीय चिन्ह को विपरीत कर देंगे। इस प्रकार H 8 - 2 = 6 F, U 21 - 3 = 18 R, M 13 - 4 = 9 I, J 10 - 5 = 5 E, T 20 - 6 = 14 N, K 12 - 7 = 4 D। अतः HUMJTK को फ्रेंड लिखा जाएगा। प्रश्न 16। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को GIZRM लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड URTFIV के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक FIGRUE, दो FIGUER, तीन FIGURE, चार FRGIUE, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन फिगर FIGURE। फर्स्ट स्टेप में T 20 विपरीत अक्षर है G 7, R 18 विपरीत अक्षर है I 9, A 1 विपरीत अक्षर है Z 26, I 9 विपरीत अक्षर है R 18, N 14 विपरीत अक्षर है M 13। यहाँ ट्रेन शब्द के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड URTFIV को डीकोड करना है, अतः हम सिर्फ कोडिंग की विपरीत प्रक्रिया करते हुए कोडिंग करेंगे। इस प्रकार U 21 विपरीत अक्षर F, R 18 विपरीत अक्षर I 9, T 20 विपरीत अक्षर है 7 G, F 6 विपरीत अक्षर है U 21, I 9 विपरीत अक्षर है R 18, V 22 विपरीत अक्षर है E 5। अतः URTFIV को फिगर FIGURE लिखा जाएगा। प्रश्न 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PLUGH को OMTHG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड ASNBC के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक
BROD, 2 BAROD, 3 BROOD, 4 BRADO, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। PLUGH, P16 माइनस 1 15 O, L12 प्लस 1 13 M, U21 माइनस 1 20 T, G7 प्लस 1 8 H, H8 माइनस 1 7 G। यहाँ हम देख रहे हैं PLUGH शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 के क्रम से घटाते और बढ़ाते हुए OMTHG के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड ASNBC को डीकोड करना है, अतः हम फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए चिन्ह के विपरीत गणितीय चिन्ह को प्रयोग करेंगे। ASNBC सेकेंड स्टेप में A1 प्लस 1 2B, S19 माइनस 1 18R, N14 प्लस 1 15O, B2 माइनस 1 1A, C3 प्लस 1 4D, अतः BROAD लिखा जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सक्सेस को VXFFHOVV लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड YLFWRUB के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 VICTARY, 2 VIDTORY, 3 VICTORY, 4 VECTORY, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 VICTORY, विक्ट्री। फर्स्ट स्टेप में सक्सेस S19 प्लस 3 22V, U21 प्लस 3 24X, C3 प्लस 3 6F, C3 प्लस 3 6F, E5 प्लस 3 8H, S19 प्लस 3 22V, S19 प्लस 3 22V। हम देख रहे हैं कि सक्सेस शब्द के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 के क्रम से बढ़ाकर शब्द को VXFFHVV के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड YLFWRUB को डीकोड करना है, अतः हम गणितीय चिन्ह को फर्स्ट स्टेप में प्रयोग किए गए गणितीय चिन्ह का विपरीत करते हुए आगे की प्रक्रिया को कोडिंग की ही तरह करेंगे। YLFWRUB Y25 माइनस 3 22V, L12 माइनस 3 9I, F6 माइनस 3 3C, W23 माइनस 3 20T, R18 माइनस 3 15O, U21 माइनस 3 18R, B2 माइनस 3 25Y। अतः YLFWRUB को विक्ट्री लिखा जाएगा। प्रश्न 19, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अबव को FWPCB लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड SFDOBE के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है 1 डार्कर, 2 डेंटर, 3 डांसर, 4 डांसर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 डांसर, DANCER। फर्स्ट स्टेप में E5 प्लस 1 6F, V22 प्लस 1 23W, O15 प्लस 1 16P, B2 प्लस 1 3C, A1 प्लस 1 2B। यहाँ हम देख रहे हैं कि अबव के प्रत्येक अक्षर को क्रमशः प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 के क्रम से बढ़ाकर FWPCB के रूप में कोड किया गया है। अब चूंकि हमें सांकेतिक कोड SFDOB को डीकोड करना है, अतः हम गणितीय चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। सेकेंड स्टेप में डीकोड इस प्रकार करेंगे E5 माइनस 1 4D, B2 माइनस 1 1A, O15 माइनस 1 14N, D4 माइनस 1 3C, F6 माइनस 1 5E, S19 माइनस 1 18R।
अतः SFDOBE को डांसर लिखा जाएगा। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SURYAMANI को HFIBZNZMR लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड HDZIMIVPSZ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? विकल्प है एक SAWRNREKHA, दो SAWRNRAKHA, तीन SWARNAKHAE, चार SWARNREKHA, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प चार SWARNREKHA। सूर्यामणि, S19 विपरीत अक्षर है H8, U21 विपरीत अक्षर है 6F, R18 विपरीत अक्षर है I9, Y25 विपरीत अक्षर है 2B, A1 विपरीत अक्षर है Z26, M13 विपरीत अक्षर है 14N, A1 विपरीत अक्षर है Z26, N14 विपरीत अक्षर है M13, I9 विपरीत अक्षर है R18। यहाँ हम देख रहे हैं कि मूल शब्द को कोट करते समय मूल शब्द के प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर लिखा गया है। इसी प्रकार H8 S19 D4 W23 Z26 A1 I9 R18 M13 N14 I9 R18 V22 E5 P16 K11 S19 H8 Z26 A1। अतः HDZIMIVPSZ को स्वर्ण रेखा लिखा जाएगा। पृष्ठ 65, पृष्ठ 66, पृष्ठ 67 तथा पृष्ठ 68, इन सभी पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं, जो कि आपको बता दिए गए हैं। टाइप 11 से संबंधित प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 69।